ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना ये चाह रहा हूँ कि जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो हमें पढ़ाई पे फोकस करनी है, बाकी बातें मैसेज बिना वजह के मत कीजिएगा। जो बिना वजह कि आप लोगों को मैसेज करना है वो या तो शुरू में कर ले हमें आने के पहले, या तो फिर हमें जब हम लास्ट में आप लोगों को 2-4 मिनट देते हैं उसमें जितनी बातें हम लोग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अभी जब हमें पढ़ने की बातें हैं तो सिर्फ पढ़ने की बात करें। हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपनी पढ़ाई पे दें। तो चलिए विद्यार्थी जी, अब मेरे ख्याल से अब साउंड जा रही होगी, तो ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने कहा था कि एक टेस्ट सीरीज लाया हूँ, उस टेस्ट सीरीज को ध्यान से ध्यान जितनी जल्दी है आप ज्वाइन कर लीजिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं कहीं भी, लेकिन आप अपनी जांच यहाँ कर सकते हैं और विश्वास कीजिए आप जितना पढ़ाई में ध्यान दिए हैं है ना, तो वो पढ़ाई जो होता है वो फील्ड का काम है। जैसे हम साइकिल सीखते हैं फील्ड में सीखते हैं, तो जो मैथ हम लोग पढ़ा रहे हैं क्लास में वो फील्ड की काम हो रहा है। और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे मतलब आप रोड पे चलाने लायक साइकिल बनेंगे तब, जब टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे तब। और मैंने टेस्ट की क्वेश्चन बहुत अच्छा से अरेंज किया है, इसलिए आप लोग सबसे पहले 29 तारीख को टेस्ट अवश्य दे लीजिए। अच्छा लगे तब एडमिशन लीजिए, अभी ज़रूरी नहीं। आप 100 रुपये भी एक्स्ट्रा मत कहीं फंसाएँ, यानी कि ध्यान रखें कि 100 रुपये 200 रुपये दे दिए अब तो पढ़ना मजबूरी है। मजबूरी मत पढ़िए, ध्यान रखिए, आपको मन लगना चाहिए। जब मन लगेगा तभी आप सक्सेस करेंगे है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगर मन लगा कर कोई भी काम किया जाए तो उसमें सफलता की गारंटी निश्चित होती है, लेकिन अगर ध्यान रखिएगा कि काम कर रहे हैं इसलिए कि मन लग जाए तो ध्यान रखिएगा उसमें सफलता लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ध्यान रखें कि काम वह करें जिसमें मन लगे है ना, मन लगने के लिए काम को मत। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग एवरेज की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया, तो साउंड जा रहा होगा। क्या चलिए, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, कल मैंने आप लोगों को एवरेज के बारे में सिखाया था कि एवरेज कहते किसको है और एवरेज को हम लोग किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, एवरेज कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी को ध्यान रखना है। आज मैंने आप लोग को क्वेश्चन लाया है प्रैक्टिस के लिए कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊं और आज से आपकी होमवर्क चालू हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान रखिएगा, आप लोगों की पहली क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, केयर कीजिएगा। आज भी कुछ बातें अगर आप लोगों से मैं करूँगा थोड़ा केयर पे जाइएगा। एक कक्षा में 3 विभाग ABC हैं जिनमें क्रमशः 60, 40 और 6 छात्र हैं जिनका भार क्रमशः 58 kg, 62 kg और 59 kg है, तो बताएं कि पूरे कक्षा का औसत भार क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बना लेना कोई बड़ी बात नहीं, अब मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। आज बनाना नहीं आपको, आपको कलम यूज करना नहीं है, आज आपको पहले हमारी बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आज मैं कुछ बातें करने आया हूँ, केयर कीजिएगा, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, बना तो लेते हैं, ध्यान रखिएगा, साइकिल चला लेते हैं लेकिन उसकी गलतियां कहाँ हो सकती है, उसको केयर नहीं करते हैं। तो चलिए मैं उस पर बातें करूंगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि औसत भार 58 kg है, औसत भार 58 kg है, इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी जी? औसत भार 58 kg है, 58 kg है, इसका मतलब है 58 kg प्रति छात्र, 58 kg प्रति छात्र। तो प्रति छात्र का मतलब हुआ 58 kg प्रति छात्र, औसत का मतलब ही होता 58 kg प्रति छात्र। तो प्रति के बाद क्या लगा हुआ? छात्र, मतलब रेशियो ऊपर चलेगा छात्र की संख्या का। कल मैंने आपको फोकस किया था कि यूनिट था, यूनिट आपका था किलोमीटर प्रति घंटा, याद कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति के बाद क्या लगा हुआ था? घंटा, घंटा समय का मात्रक है इसलिए ऊपर रेशियो चलेगा समय का, क्योंकि उसी से भाग पड़ता है। तो औसत भार का मतलब होता 58 kg प्रति विद्यार्थी, 58 kg प्रति छात्र। तो प्रति के बाद छात्र लगा हुआ है इसलिए आप लोगों को एवरेज निकालने के लिए ऊपर रेशियो चाहिए छात्र की संख्या का। तो आपके पास छात्र की संख्या का रेशियो विदाउट पेन में चलने का प्रयास करता हूं विद्यार्थी जी, 6
छात्र की संख्या का रेशियो देखिएगा, 20 से कट जाएगा 3, 2, 5। आशा करते हैं आपको संख्या समझ में आ गया होगा। अब 58, 62 और 59 में से किसी एक को मान लीजिएगा। तो चलिए आप लोग 58 को मान लिए। 58 से देखिए 4 ज्यादा यानी 4 × 2 = 8 प्लस 58 से 1 ज्यादा है तो 1 + 5 प्लस 8 × 5 = 13। अब बटा 5 × 3 = 8 × 2 = 10 तो 13/10 का मतलब 1.3 और ऐड होगा तो 58 में 1.3 ऐड हो जाएगा अर्थात 59.3। बिना कलम के आप बना सकते हैं, लेकिन जिन्हें ना समझ में आए, जो पहली क्लास कर रहे हैं विद्यार्थी जी, उनको मैं लिख करके बता रहा हूं, उनके लिए ध्यान दीजिएगा। जो कल क्लास किए होंगे उन्हें आसानी से समझ में आ गया होगा, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उनके लिए फिर से मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ देखिएगा 60, 40, 100। इनका औसत भार दिया हुआ 58 kg, 62 kg प्रति छात्र और 59 kg। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था ऊपर संख्या कटता है तो काट लेंगे, कटता है तो काट लेंगे, तो आपने कहा 20 से कट रहा है सर, 3, 2, 5। अब आप लोग किसी एक को मान लीजिए, तो मैंने कहा 58 को ही मानता हूं। 58 से ज्यादा रहेगा औसत बढ़ेगा, अगर 58 से कम रहेगा औसत घटेगा। तो आप खुद देख लीजिए 58 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है विद्यार्थी जी, तो 4 ज्यादा यानी 4 × 8 प्लस में 58 से देखिए 1 ज्यादा है तो 1 × 5 = 5 प्लस में। अब बटा टोटल 5 × 3 = 8 × 2 = 10 तो 13/10 का मतलब 1.3 ऐड होगा तो 58 में 1.3 ऐड कर देंगे यानी 59.3। लेकिन आप लोगों से मैंने कहा विद्यार्थी जी, देखिएगा कमेंट को जरा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग खोले हुए हैं ना, अभी भी रंजीत कुमार लिख रहे हैं साउंड कैसे हो रहा है सर जी, वाइब्रेट ही हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ा सा एक मिनट टाइम दीजिएगा, मैं साउंड को सुधारने का प्रयास करता हूँ। आज हमारे टेक्निशियन हमारे सामने, आज कोई दिक्कत नहीं होगा, आज सारा चीज व्यवस्थित हो जाएगा। विद्यार्थियों से ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सनसनाहट आ रही है तो आपका टाइम ना नष्ट हो, इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा देर के बाद इसको सुधरवा लूंगा, आपका टाइम नष्ट हो जाएगा इससे और आप नींद भी अंदर। तो ध्यान दीजिए, आज मैं फोकस ये कर रहा था कि रेशियो ऊपर किसी का होना चाहिए, ऊपर रेशियो किसी का होना चाहिए। तो आप लोगों ने कहा कि रेशियो ध्यान दीजिएगा 58 kg प्रति छात्र था, तो प्रति के बाद छात्र लगा हुआ था, अर्थात रेशियो छात्र की संख्या का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ, विद्यार्थी जी केयर करते जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें, एक कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या है, कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 48,000 है, जिसमें पुरुष और स्त्री का अनुपात की अनुपात हुआ है। पुरुषों का औसत मासिक वेतन 1800 रुपये है, स्त्रियों का औसत मासिक वेतन 2200 रुपये है। औसत जब लग गया तो आपको अब यहाँ पे केयर करना है। ध्यान दीजिएगा, सीखने के लिए बना तो लीजिएगा, मुझे पता है आप लोग इसे बना लिए होंगे, लेकिन ध्यान रखना इस बात की कि ध्यान दीजिए, लिखा हुआ पुरुषों का औसत मासिक वेतन 1800 रुपये है। औसत मासिक वेतन का मतलब हुआ 1800 रुपये प्रति व्यक्ति, 1800 रुपये प्रति व्यक्ति, पुरुषों का औसत मासिक वेतन 1800 रुपये है, मतलब 1800 रुपये प्रति व्यक्ति। तो प्रति के बाद व्यक्ति लगा हुआ, नहीं व्यक्ति की संख्या का रेशियो होना चाहिए। तो आपके पास संख्या का रेशियो आपका 3:2 दिया हुआ है विद्यार्थी जी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पुरुष का मान लेते हैं तो देखिएगा इससे 4 को ज्यादा है, 4 × 8 तो 8/5 का मतलब 160 हो जाएगा, 8/5 का मतलब 160 हो जाएगा, तो 1800 में 160 जोड़ दीजिएगा अर्थात आंसर 1960। कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा जिन्हें दिक्कत हो रही उनके लिए। 3:2 है, पहले का औसत दिया हुआ है विद्यार्थी जी 1800, दूसरे का औसत दिया हुआ है 2200, तो पूरे का औसत क्या होगा। तो आप लोगों ने कहा 1800 को मान लीजिए सर, तो 1800 से देखिएगा कितना ज्यादा है, तो 400 ज्यादा है, इससे 2 गो है, तो 4 × 8 प्लस करेंगे बटा कै के लिए 5 के लिए, 5 से भाग दीजिएगा 160, 1800 में 160 जोड़ दीजिएगा,
1960। मैं आशा करूंगा कि आप विदाउट चेंज बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं विद्यार्थी जी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्वेश्चन समझने का आप प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह का औसत खर्च क्रमशः 84,280 और 10,608 है। तो ध्यान दीजिए, औसत खर्च देखिएगा, लिखा हुआ प्रथम 3 माह का औसत खर्च 84 रुपये है। प्रथम 3 माह का औसत खर्च 84 रुपये, यानी औसत खर्च 84 रुपये प्रति माह। औसत खर्च 84 रुपये है, मतलब औसत खर्च किया हुआ 84 रुपये प्रति माह। तो प्रति माह दिया हुआ है, इसका मतलब ऊपर रेशियो माह की संख्या का होना चाहिए। ऊपर रेशियो ध्यान दीजिएगा, माह की संख्या दिया हुआ 3 है, 4 है और 5 है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले का औसत दिया हुआ है 84 रुपये, पहले का औसत दिया हुआ है 84 रुपये, दूसरे का औसत दिया हुआ है विद्यार्थी जी 10,080 10,080, और तीसरे का औसत दिया हुआ है विद्यार्थी जी 10,608 10,608, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे का औसत पूछ रहा है, तो आपकी मर्जी है, किसी एक को मान लेंगे, जिसकी मर्जी हो किसी एक को मान लेंगे, जिनकी जिसकी भी मर्जी हो किसी एक को मान लेंगे। तो चलिए हम लोग 84 सौ को आज मानते हैं। 84 सौ को, अभी रुकिएगा आप लोग, कुछ मत कीजिएगा, मैं आपको और छोटा करूंगा। 84 सौ को मान लेते हैं। 84 सौ से देखिए कितना ज्यादा है, तो 1680 ज्यादा है। 1680 × 4, तो 1664 हो जाएगा 320, यानी 6720। 6720 गुना करने आ गया होगा विद्यार्थी जी। 8400 से कितना ज्यादा, यानी 1680, तो 1664 × 8 = 320, यानी 6720। आगे देखिएगा, 8400 से कितना ज्यादा है, तो 8400 से 1600 2208 ज्यादा है, तो 2205 गुना करेंगे तो 11040 11040 11040। 2200 ध्यान दीजिएगा, मैं इसे फिर से आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, केयर कीजिएगा। आप लोग को कहना है 8400 से देखिएगा ये कितना ज्यादा है, तो 10,000 रहता तो 1600 ज्यादा होता, 608 और, तो यानी 2208। तो 2200 को 5 से गुना करेंगे 11,000, और 8 को 5 से गुना करेंगे 40, यानी 11040 11040। अब ध्यान दीजिए, बटा 5 × 3 = 12 के लिए, अब जितनी जल्दी हो हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। तो 8400 प्लस, अब केयर कीजिए, मैं जोड़ रहा हूँ 0 4 2 6, आगे 7 और 16 11 6 17, अब बटा 12। ध्यान दीजिएगा कि 0 0 0 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 0 और 7 7 हो गया, 11 6 17 हो गया, जोड़ने आ रहा होगा। मैं 12 से भाग देता हूँ विद्यार्थी जी, 12 एक 12, बाकी 5, 12 4 48, बाकी 9, 12 98, अर्थात 1480 जोड़ देना है, अर्थात आप लोगों का आंसर आ जाएगा 8400 में 1400 जोड़िएगा, यानी 9880 9880, अर्थात आपका आंसर डी। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें समझ में आ गया, लेकिन मुझे सबसे बड़ी समस्या जो हुई वो बताने जा रहा हूँ। जब मैं पहली बार बनाया था तो सबसे ज्यादा समस्या यहाँ हुआ था कि 8400 से कितना ज्यादा है, 1680 घटाने में एक बार समय लग रहा था। 8400 से कितना ज्यादा है, तो 2208 इसे घटाने में मुझे टेंशन हो रहा था। तो मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार और आप लोगों से बातें करना चाहूंगा, क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का 3 4 5 माह दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 8400 रुपये, औसत दिया हुआ है आप लोग का 10,080 रुपया 10,080 रुपया, औसत दिया हुआ आप लोग को 10,608 रुपया 10,608 रुपया। मैंने सोचा यहाँ दिक्कत हो रही, जहाँ पे परेशानी होती है वहाँ पे हम कुछ सोचते हैं। यहाँ पे मुझे परेशानी हुआ था क्या, कि भाई 8400 से कितना ज़्यादा घटाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं ऐसा माना जिसमें जोड़ना घटाना आसान हो। तो मैंने एवरेज मान लिया 10,000, मान लीजिए मैंने एवरेज मान लिया है 10,000। अब 10,000 से देखिएगा ये 1600 कम है, यानी 1648 माइनस, 10,000 से देखिएगा ये 80 ज्यादा अर्थात 320 प्लस है, 10,000 से देखिएगा 608 ज्यादा है, तो 340 रुपया प्लस में, 340 रुपया प्लस में, अपटा 12 के लिए। तो
तो केयर कीजिएगा, इसे 10,000 तो रहने ही दीजिए, प्लस इसे हल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा 30 और 3 3360 रुपया था, 4800 माइनस में आए, अब प्लस में 3360 है, इसका मतलब माइनस में आएगा। तो 4800 में 3300 घटाते तो मेरे ख्याल से 1500 आता, और उसमें भी 60 और घटाना यानी 1440 आ गया माइनस में, बटा 12 के लिए बराबर है 44 यानी 120 माइनस में हो जाएगा। तो आप लोग का 10,000 माइनस 120, अब 10,000 में 120 घटा दीजिएगा, तो 10,000 में 120 घटा दीजिएगा, अर्थात 9,880 आप लोगों का आंसर आया था। तो ध्यान दीजिए, ये अपने आप करते करते आएगा, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। लिखा हुआ है कक्षा में 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है। तो औसत ऊंचाई का मतलब है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर प्रति छात्र, तो प्रति के बाद छात्र लगा हुआ है, ऊपर रेशियो छात्र की संख्या का होगा। तो छात्र की संख्या दिया हुआ है, 6 का ऊंचाई दिया हुआ है, उसके बाद 8 का ऊंचाई दिया हुआ है, उसके बाद शेष का 814 यानी शेष हो जाएगा 10। औसत ऊंचाई देखिएगा 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, अर्थात इसको हम 115 सेंटीमीटर मान सकते हैं। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर को मैं 115 सेंटीमीटर क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे दशमलव से बच के रहना है, दो चीजें से बच के रहना विद्यार्थी, दशमलव से और क्वाड्रेटिफिकेशन से। इन दोनों से बचने की तरीका अगर आपको मालूम हो गया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है तो 1.15 मीटर लिखने से बेहतर था कि 115 सेंटीमीटर लिखें। अगले की औसत ऊंचाई है 105 सेंटीमीटर, अगले की औसत ऊंचाई है 111 सेंटीमीटर। अब आपकी मर्जी है, ऊपर कटता है तो काट लीजिए, ऊपर कटता है तो काट लीजिए। तो कट रहा है विद्यार्थी जी 3, 4 और 5। अब किसी एक को मान लीजिए, तो चलिए मैं 105 को ही मान रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 105 से 10 ज्यादा नहीं, 10 या 30, 105 से 6 दादा यानी 6 5 30, तो 30 और 30 हो जाएगा 60, 60 बटा 5 4 9 3 12, अर्थात 5 बार में कट जाएगा, अर्थात आंसर 110 सेंटीमीटर, अर्थात आंसर ए 110 सेंटीमीटर आंसर ए। तो आशा करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो बिना कलम के भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए विद्यार्थी जी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ, कहीं दिक्कत होगा बस बोलिएगा, थोड़ा कमेंट आप लोग देखते जाइए, गड़बड़ होगा तो बोलिए। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में 3 विभाग एबीसी है जिसमें 60 40 50 छात्र हैं, जिनका औसत भार, ध्यान दीजिए फिर औसत भार दिया हुआ था, औसत भार प्रति छात्र होता है, तो ऊपर रेशियो छात्र की संख्या का, तो छात्र की संख्या का रेशियो तो हो जाएगा 6:4:5 विद्यार्थी जी। अब 52 को ही मान लीजिए, कलम मत लगाइए, 52 को मान लीजिए, 6 ज्यादा है तो 6 4 24, आगे देखिएगा 3 ज्यादा है तो 3 5 15, तो 24 और 15 39 ज्यादा हो गया, तो 39 बटा, जल्दी बोलिए 6 4 10 3 5 6 4 10 5 15, 3 से कटेगा 3 5 15 33 39, 13 बटा 5 का मतलब होता है 2.6। अब बोलिएगा 13 बटा 5 को 2.6 इतना आसानी से कैसे बोल दिए, तो कभी भी 5 से भाग देना हो विद्यार्थी जी तो डबल करके 1 अंक के बाद दशमलव, अगर 25 से भाग देना हो तो 4 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव, तो 5 से भाग देना था तो डबल कर दिए 13 2 26 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.6 बढ़ जाएगा। तो 52 माने थे तो 52 में 2.6 जोड़ दीजिए, अर्थात 54.6, अर्थात आपका आंसर सी विद्यार्थी जी। आपकी स्पीड आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा रेशियो किसी भी प्रश्न को छोटा करता है और एवरेज उसको कैलकुलेट करता है। पूरे प्रश्न में दो ही चीज होता है, प्रश्न को छोटा करके कैलकुलेट करो, रेशियो का काम था छोटा करना, देखिएगा ये छोटा कर दिया है, रेशियो निकला वो छोटा हो गया, नहीं था 60 से गुना करना पड़ता, 40 से गुना पड़ता तब टाइम लगता, और एवरेज का काम होता है कैलकुलेट करना कि कितना आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, कोई गड़बड़ कमेंट होगा तो बताइएगा, कोई विद्यार्थी कुछ बोल रहे होंगे तो बोलिएगा।
ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, एक कक्षा में तीन विभाग ए बी सी है जिनमें 60 40 और 100 छात्र हैं, जिनकी औसत आयु का मतलब 14 वर्ष प्रति छात्र, 18 वर्ष प्रति छात्र, 15 वर्ष प्रति छात्र, अर्थात ऊपर रेशियो छात्र की संख्या का होगा, तो 20 से कट जाएगा विद्यार्थी जी, 3 2 5। चलिए आप किसी एक को मान लीजिए, तो चलिए मैं 14 को ही मान लेता हूँ विद्यार्थी जी। 14 से देखिए 4 ज्यादा, यानी 4 दुनिया 8 प्लस में, 1 ज्यादा है तो 1 5 5 प्लस में, तो 8 5 13, 13 बटा 10 का मतलब 1.3 और जुड़ जाएगा, तो 14 में 1.3 जोड़ दीजिएगा, यानी 15.3। आप लोग की स्पीड आ रही है या नहीं ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें कोई दिक्कत हो गई मैं फिर से बोल रहा हूँ, केयर कीजिएगा। मैंने सबसे पहले कहा संख्या कटता है तो काट लीजिए, तो 20 से कट रहा है, 3 2 5 3 2 5 दिखाई होगा विद्यार्थी जी। अब सबसे पहले मैंने कहा 14 को मान लेता हूँ, 14 से देखिए कितना ज्यादा, 4, तो 4 दुनिया 8 प्लस में, 1 ज्यादा 1 5 5 प्लस में, तो 8 13 हो गया, 13 बटा 10 का मतलब 13 बटा 10 कहाँ से, तो 5 3 8 2 10, 13 बटा 10 का मतलब 1.3 और ऐड हो जाएगा, तो 14 में 1.3 ऐड करिएगा, यानी 15.3, अर्थात आपका आंसर ए। और लिख करके बनाना है विद्यार्थी जी, तो मैं लिख करके भी बता देता हूँ, केयर कीजिएगा, मैं लिख करके बता रहा हूँ, केयर कीजिएगा जिन्हें दिक्कत हो रही है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, आप लोग की संख्या का रेशियो दिया हुआ था 3:2:5, संख्या का रेशियो 3:2:5, औसत दिया हुआ है 14 वर्ष 18 वर्ष और 15 वर्ष। अब ध्यान दीजिए 14 को मान लीजिएगा, 14 से देखिएगा कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो 4 दुनिया 8 प्लस में, 14 से देखिए 1 ज्यादा है तो 1 5 5 प्लस में, अब बटा 5 3 8 2 10, तो 13 बटा 10 का मतलब 1.3 जुट जाएगा, अर्थात 15.3। मैं विदाउट पेन बता रहा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आपकी स्पीड आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। केयर कीजिएगा, लिखा हुआ गणित की एक परीक्षा में एक वर्ग में 20 छात्र में से 2 छात्रों ने 100 अंक लाया, 20 छात्रों हैं टोटल जिसमें से 2 छात्रों ने 100 अंक लाया है, 3 छात्रों ने 0 अंक लाया है, इन तीनों ने 0-0 लाया है, और कह रहा है शेष छात्र, तो 5 हो गया नहीं, शेष बचेंगे 15, छात्र का औसत दिया हुआ है 40। अब कलम रोक लीजिए विद्यार्थी जी, अगर आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि छोटा है तो गुना भी कर लीजिए, तो 200 और 0 हो जाएगा 0, और 600 तो 600 और 2 800 बटा 20, 800 बटा 20 का मतलब 40, अर्थात आपका आंसर है। छोटा है गुना करके भाग सकते हैं, मान जरूरी नहीं है कि सब जगह मैं अपनी बाइक का ही यूज करूं, जहां पैदल चलने की जरूरत है मैं पैदल चल सकता हूं। ध्यान रखिएगा यहां हम लोग छोटा है कैलकुलेशन है, गुना कर लिया 100 × 2 = 200 और 0 × 3 = 0 और 40 × 15 = 600, तो 200 और 600 = 800 बटा 20, 800 में 20 से भाग दीजिएगा विद्यार्थी जी, आप लोग का औसत 40। चलिए जिन्हें दिक्कत हो रहा है कह रहे होंगे मान के ही बताइए सर, तो मैं मान के बताता हूँ, केयर कीजिएगा, आप लोग जिसकी इच्छा हो मान लीजिए, तो बोलिएगा सर मैं 40 को ही मान लेता हूँ, तो 40 से देखिएगा कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, 60 × 120, 60 × 120 प्लस में, 40 से देखिए कम है तो कितना कम है, 40 कम है तो 40 या 20 + 120 माइनस में, अब बटा 20, तो देखिएगा प्लस 120 और माइनस 120 हो गया 0, 0 बटा समथिंग 0, अर्थात आपका आंसर 40। विद्यार्थी जी आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, एक कक्षा के 40 छात्रों में से 30 की औसत ऊंचाई 160 है, 40 में से 30 का औसत ऊंचाई दिया हुआ है विद्यार्थी जी, 30 का औसत ऊंचाई दिया हुआ है 160, तथा शेष बच जाएंगे 10, शेष बच जाएंगे 10 का औसत ऊंचाई दिया हुआ है 156, तो पूरे का औसत पूछ रहा, आप लोगों को कितना आसान है,
अब ध्यान दीजिए 160 को मान लिए होंगे तो 160 से देखिए चार कम है, तो चार गुने एक चार बटा चार का मतलब एक, कम अर्थात 159, अर्थात आंसर हो जाएंगे 159। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैं 160 को ही मान रहा हूँ, 160 से देखिएगा एक कम है अर्थात माइनस करेंगे, कितना कम है तो चार कम है, तो चार गुने एक चार बटा चार, तीन एक चार हो गया विद्यार्थी जी, अर्थात आप लोगों का 159। अब कोई विद्यार्थी बोलेंगे नहीं सर मुझे 156 मान के बताइए, मैंने कहा कोई बात नहीं विद्यार्थी जी, 156 से देखिए चार ज्यादा नहीं, चार किया 12 प्लस में, अब बटा तीन एक चार के लिए, अब जल्दी से हल करके देख लीजिए 159 ही आएगा विद्यार्थी जी, अर्थात हम लोगों का औसत ऊंचाई हो जाएगा 159 सेंटीमीटर। तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, केयर कीजिएगा। एक समूह में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं, पुरुष का औसत 75 केजी और महिला का औसत 50 केजी है, तो समूह का औसत क्या है? तो आप लोगों ने बोला विद्यार्थी जी बिना लिखे भी बना सकते हैं, बिना लिखे भी बना सकते हैं, तो केयर कीजिएगा, यहाँ रेशियो हो जाएगा 2 और 3, रेशियो हो जाएगा 2 और 3, रेशियो आप लोगों का हो जाएगा विद्यार्थी जी 2 और 3। अब ध्यान दीजिएगा पुरुष, ध्यान दीजिएगा अगर 50 को मान लेते हैं तो 50 से देखिए कितना ज्यादा 25, तो 25 दूनी 50 बटा 5 का मतलब 10 ज्यादा, तो 50 में 10 जोड़ देंगे आंसर 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी जी, आपने 50 को माना है तो 50 से ही कितना ज्यादा है 25 ज्यादा, ऐसे से 2 गो है तो 25 दूनी 50 और 50 बटा 5 का मतलब 10 बढ़ जाएगा, तो 50 में 10 बढ़ जाएगा अर्थात आंसर 60। लेकिन जिन्हें ध्यान दीजिएगा पहली बार पढ़ रहे होंगे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो उनके लिए लिख देता हूँ, रेशियो दिया हुआ है विद्यार्थी जी 2:3, पहला का औसत दिया हुआ है 75, दूसरे का औसत दिया हुआ है 50, आपकी मर्जी है किसी को भी मान सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं, गुना करना है तो उनके लिए भी बता सकता हूँ 150 और 300 बटा 5 का मतलब 60, 75 × 2 होता है 150 और 150 ही भीतर 300 बटा 5 का मतलब आंसर हो जाएगा 60। आशा करते हैं विद्यार्थी जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या जिनको मानने की इच्छा मान भी सकते हैं, 50 को मान लिया, 50 से देखिएगा ज्यादा है मैं प्लस किया, कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, तो 25 × 50 बटा 5 का मतलब 10 ज्यादा अर्थात आंसर हो जाएगा 60। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।